चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले, देश मसाले, सुख समृद्धि और मन में भक्ति भाव के लिए लाए किसान ब्लैक किंग प्रीमियम अगरबत्ती। धरती पर जले आकाश तक महंगे किसान ब्लैक किंग प्रीमियम अगरबत्ती। अयोध्या में रामघाट स्थित आचार्य सतेंद्र दास के आवास पर स्वामी गोविंद आनंद सरस्वती ने प्रेस वार्ता कर बताया कि हनुमान की जन्म स्थली पंपापुर किष्किंधा कर्नाटका में लगाई जाएगी। भगवान हनुमान जी की 215 मीटर ऊंची प्रतिमा हनुमत दत्त जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कर रहा है तैयारी। ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी गोविंद आनंद सरस्वती ने मुख्य पुजारी आचार्य सतेंद्र दास के आवास पर पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। देश भर में रथ यात्रा निकालकर ट्रस्ट करेगा चंदा एकत्रित। 215 फीट ऊंची भगवान की प्रतिमा की अनुमानित लागत होगी 1200 करोड़ रुपए। हनुमत दत्त जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम मंदिर निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दान करेगा 80 फीट का भव्य रथ। 2 साल में 2 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा रथ। मोहम्मद आजम खान की रिपोर्ट। होने के बाद अयोध्या क्षेत्र में हम सभी लोगों को ऐसा सौभाग्य मिला कि हनुमान जन्मस्थली किष्किंधा पंपा क्षेत्र में होने वाले डेवलपमेंटों के बारे में आपकी थोड़ा जानकारी दें। जैसे राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण हो रहे हैं, ऐसे ही इतिहास में पहली बार पंपा क्षेत्र किष्किंधा जहां हनुमान जी का जन्म हुआ वहां भी हनुमान जी का 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, वहां भी काम चालू हो गया। वहां विजयदशमी में इसके लिए मुहूर्त बनाकर 4 शिलाओं को भी पूजा पाठन हो गया। अभी शिलाओं को इकट्ठा करने के काम चल रहे हैं। हनुमान जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से 1200 करोड़ से ये दुनिया में सबसे बड़ा हनुमान जी का 215 मीटर की मूर्ति वहां बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। सभी डिजाइन फाइनल करके भी चाहते हैं कि इतिहास में पहली बार एक अयोध्या में भव्य कार्यक्रम आयोजन करें। उसके लिए 2 करोड़ रुपया से राम भगवान के लिए किष्किंधा की तरफ से हनुमान जी की तरफ से 100 फीट की 40 फीट बेस होता है, उसके ऊपर 60 फीट का सजावट होता है, एक टेकवुड से बनाया हुआ निर्माण हो रथ निर्माण करके राम भगवान के लिए भेंट करना चाहते हैं। और जैसे यहाँ राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण हो रहे हैं, ऐसे ही मॉडल में भव्य तरीका से हनुमान जी की जन्मस्थली पर हनुमान जी का मंदिर भी बन रहे हैं। ये तीनों प्रोजेक्ट के लिए सब हनुमान जी भक्तों की इकट्ठा करने के लिए 12 वर्ष के लिए संपूर्ण भारत देश यात्रा भी शुरू होने वाले हैं। यहाँ